स्टूडेंट्स, आज इंटीटेस्ट का ये 15th लेक्चर है जो कि एमओटी का सेकंड पार्ट है। यानी कि इससे पहले जो है चार एमसीक्यूज मैं बना चुका हूँ एमओटी के हवाले से, और इस वक्त इसका पांचवा एमसीक्यूज है। और इस पांचवें एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2-3-, यानी कि N2-3- का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है। तो हम सबसे पहले तो ड्रा कर लेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं इसके पास। तो जब N2 है तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि 7 + 7 तो ये हो जाएंगे 14। लेकिन इसके ऊपर -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, तो ये हो जाते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं। जब ये 17 हो चुके हैं, अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं। ये हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो चुके हैं, लेकिन 17 है, 14 हो गए, तो ये हो गए 15, ये 16 और ये हो गए 17, 17 हो चुके हैं। अब हमने इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो इज इक्वल टू होता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। देखिए, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप शुरू से ही सारे के सारे बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी काउंट करें, तमाम के तमाम एंटी बॉन्डिंग को भी काउंट करें, ये भी ठीक है। लेकिन आप इसका बॉन्ड ऑर्डर सिंपल सिर्फ जो लास्ट वाला पोर्शन इसका है, लास्ट वाले ऑर्बिटल से, वहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी तो 2 और 2 कैंसल हो रहा है, तो लास्ट वाले पार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें बॉन्डिंग कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, यानी कि 1.5 जो है वो इसका ठीक ऑप्शन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 1.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन जो -3 है, अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये 3 है, तो 6 - 3, 3 बच जाएगा, 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो ये इसका ठीक ऑप्शन होगा। इस तरीके से एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है वो भी एमओटी के हवाले से है। उस एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि व्हिच एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू एमओटी। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का ये स्टेटमेंट का कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एमओटी में ओवरलैपिंग के बाद अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। तो ऑप्शन है वैलेंस ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, इस वक्त साथ ही मैंने एक एमओटी डायग्राम भी ड्रा कर दी है, और इसमें ये सारे के सारे जो इस साइड पर मौजूद हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उस साइड पर भी जितने हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ये बनता है। अब ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ये वाले दो ऑर्बिटल बनते हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल अपनी एनर्जी लॉस कर चुके हैं। किस हवाले से एनर्जी लॉस कर चुके हैं, एनर्जी के हवाले से, क्योंकि इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप करने से ये दो ऑर्बिटल बने हैं। तो एक ने अपनी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम कर दी है और एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा हो चुकी है इस वाले की। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से चेंज होती है। तो मतलब इन दोनों ने भी चेंज कर लिया, इन दोनों ने भी चेंज कर लिया, इन 6 ऑर्बिटल्स ने भी अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया। तो एमओटी के मुताबिक कौन से ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सारे के सारे ऑर्बिटल जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल वो ओवरलैपिंग के नतीजे में अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। तो इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन हमारे पास आएगा वो है ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल, तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी को लॉस करते हैं एमओटी में, तो हम कहते हैं सारे लॉस करते हैं, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल्स जो है अपनी एनर्जी लॉस करते हैं वो किस में, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपनी एनर्जी लॉस करते हैं वीबीटी के अंदर। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का, इस लेक्चर का जो तीसरा एमसीक्यूज है वो भी एमओटी की हवाले से है। इन द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू सुपर ऑक्साइड द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू। देखिए, जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्साइड्स की टाइप्स होती हैं। एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है जब -2 होता है, और एक परऑक्साइड होता है जब उसके ऊपर चार्ज -1 आता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है जब उसके ऊपर चार्ज -1/2 आता है, एक सब ऑक्साइड होता है जब उसके ऊपर चार्ज -3/2 आता है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी उसके साथ है या -n भी है। अब इस वक्त मैंने यहाँ पर जो है इसकी एमओटी डायग्राम ऑक्सीजन O2 की बनाई हुई है, यानी कि जो O2 है उसकी एमओटी डायग्राम बनी हुई है।
टोटल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 16 इलेक्ट्रॉन इस वक्त इसमें मौजूद है। 2, 4, 6, 8, 8 और 6, 14 हो गए और 2, 16 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालने के लिए जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। लास्ट वाले की पोर्शन पे कर लिया करें, नीचे वाले की जरूरत नहीं, वो वैसे भी कैंसिल हो रहे होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 ये हो गए, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर का। तो 6 में से 2 निकाले तो बच जाएगा 4, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2। जबकि हमें जवाब 2 नहीं चाहिए, हमें जवाब क्या चाहिए, सुपर ऑक्साइड का चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि हमें सुपर ऑक्साइड की वैलेंसी मिल जाए, और सुपर ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है वो -1/2 होती है, -1/2, यानी कि 1/2 अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो वो मतलब माइनस में ही कंसिडर हम उसको करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पर ऐड करता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब यहां पर 6 और इधर 3 लगा देंगे तो मुझे बताएं 6 में से 3 निकालें तो कितना बच जाएगा आपके पास, 6 में से 3 जब निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब इस 3 को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जब आप इस 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 1.5 आपके पास आंसर आ जाता है। तो 1.5 जब आपके पास आंसर आ जाता है तो आप देखें तो ये 1.5 तो एक इसका जो आंसर आता है 3 को 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। तो अब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड किया, अब फर्दर अगर यहां पर हम एक और इलेक्ट्रॉन भी इधर भी ऐड कर दें, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी ऐड कर दें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने कितने ऐड कर दिए हैं यहां पर सर, और मतलब एंटीबॉडी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो उसका जब बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो इस वक्त यहां पर बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, और एंटीबॉडी में कितने 6 है, तो 6 - 5 है डिवाइड बाय 2, तो 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/2। तो इस वक्त अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन आपने कहां कहां ऐड किए हैं, आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं सिग्मा पाई स्टार में भी ऐड किए हैं और सिग्मा स्टार में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा ई ऑप्शन, सही होगा सी एंड डी, यानी कि सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आपको जो ऐड करने पड़ते हैं ऑक्सीजन में, वो पाई स्टार में भी और सिग्मा स्टार में भी, इन दोनों में ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 5 और 6 हो जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, और 1/2 जो है वो सुपर ऑक्साइड की बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है। इस तरीके से एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट जो एमसीक्यूज है एमओटी के हवाले से, और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी मैंने इसका अपलोड किया हुआ है, तो उसमें के पूछ रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू एमओटी विच मॉलिक्यूल हैज पैरामैग्नेटिक नेचर, इनमें से किस स्पीशीज का या किस मॉलिक्यूल का या किस आयन का अंदर जो है पैरामैग्नेटिक नेचर है। देखिए पैरामैग्नेटिक के हवाले से एक पहले भी एमसीक्यू जो है वो लास्ट वीडियो में भी मैं अपलोड कर चुका हूँ कि पैरामैग्नेटिक उसको कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, किसी एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो हम उस मॉलिक्यूल को या उस स्पीशी को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, लेकिन अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो वही हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ, चेक करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें से कोई है या नहीं है। तो आप चलो नाइट्रोजन से देख लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो जब 7 है तो 2 नाइट्रोजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को हमने एमओटी डायग्राम में फिल करना है शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 4, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज में रखें कि नाइट्रोजन के केस में ये वाला ऊपर होगा और ये नीचे होगा, लेकिन इस वक्त हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, सिर्फ देख ये रहे हैं पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसलिए मैं इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वैसे ही लिख रहा हूँ, वरना ये ऊपर होगा और वो नीचे होंगे। तो अगर आप ये देखें तो इस वक्त 14 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिलअप कर दिया है, 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होगा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, ये नाइट्रोजन जो है वो डायमैग्नेटिक है। अब इस ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें ऑक्सीजन O2 को जब देखना है तो 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 है, +2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन इसके भी बच गए हैं तो ये तो बिल्कुल सेम किसकी तरह हो गया, नाइट्रोजन की तरह हो गया, तो मतलब सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा, किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगा।
फिर इसकी तरफ सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है O2-1, यानी कि ऑक्सीजन में वैसे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस वन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हमने डाले हुए थे ये कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो तीन और इलेक्ट्रॉन भी पुट करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3। अब अगर आप देखें तो यहां से शुरू से लेकर आखिर तक आपको 17 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, लेकिन क्या इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो इस एमसीक्यूज का ठीक ऑप्शन है, यानी कि सी जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है। तो क्वेश्चन था कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है इन स्पीशीज में से, इन स्पीशीज में से सी जो सी ऑप्शन है वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब माइनस वन होता है तो 17 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब उसके 17 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा मैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो अपलोड करके आपके साथ शेयर करूंगा।